मुंबई के धारावी इलाके में यशोदा खाटिक की लाश मिलने के बाद हिंदू तंजीमों ने इसे लव जिहाद का रंग देना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि विश्व हिंदू परिषद और हिंदू तंजीमों ने इसे लव जिहाद करार देते हुए ये वाजे किया है कि इसमें लव जिहाद का एंगल है और इस वाक्य को दिल्ली में हुए श्रद्धा और आफताब के मामले से जोड़ा जा रहा है। जबकि एक ताजा मामला मॉडल तनुषा शर्मा और शीजान का भी है। इन तमाम मामलात को लॉ जिहाद का रंग देने की कोशिश अब तेज हो गई है। मुंबई में हिंदू तंजीमों ने लॉ जिहाद के मामले में न सिर्फ ये कि एहतजाज किया है बल्कि इस मामले में मुलजिम को सख्त सजा देने का भी मुतालबा किया है। धारावी पुलिस ने यशोदा खाटिक के मामले में एक FIR दर्ज कर ली है, उसमें कत्ल की दफात ऐद कर दी गई है और ये मामला कत्ल का है। इस सिलसिले में जब मुकामी पुलिस स्टेशन से बात की गई तो बताया गया कि यह मामला जो है कत्ल का है, इसमें तफ्तीश जारी है लेकिन अब तक इसमें लव जिहाद का कोई मामला सामने नहीं आया। रहमत नामी लड़के ने इस लड़की से शादी की थी। इनके घर वालों का इल्जाम है कि रहमत ने इसे जबरदस्ती जो है तब्दील मजहब करवाया और मजबूरन जो है मजहब तब्दील करके शादी की, और इनके घर वाले जो इसके भाई हैं इन्होंने भी दूसरी लड़कियों से जबरदस्ती उनके धर्म परिवर्तन करके शादी की है। इस सिलसिले में पुलिस तफ्तीश कर रही है लेकिन अब यह कहना मुश्किल है कि यह मामला लव जिहाद का है या नहीं। पुलिस तफ्तीश में यह बात अब तक वाजे नहीं हुई है लेकिन हिंदू तंजीमें, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साजिश के तहत मुंबई शहर में नज्म नस्क को खराब करने की कोशिश के तहत अब जो है एहतजाजात में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कुर्ला में आज विश्व हिंदू परिषद ने इस मामले में एहतजाज करवाया और न सिर्फ यह कि उन्होंने ये वाजे किया है कि हम अपनी लड़कियों को जो है मुस्लिम लड़कों के दाम में ना आने की वजह से बेदार करना चाहते हैं, लेकिन ये नफरत का माहौल है पैदा करने की जो कोशिश है इसमें हिंदुओं और मुसलमानों के दिलों में नफरत पैदा होगी और नफरती लोग कुछ इस तरह की हरकत करते हैं लेकिन मामला जो है खराब करने की कोशिश का मुसलसल जायजा लिया जाए तो देखें कि जिस तरह से श्रद्धा और आफ्ताब का मामला हुआ तो उसमें मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि उस मामले की मजम्मत की बल्कि आफ्ताब को इस्लाम से खारिज भी करार दिया है। बताया जाता है कि जिस तरह से ऐसे मामला सामने आ रहे हैं तो मुंबई शहर में भी माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुंबई शहर में BMC का इलेक्शन अब करीब है तो ऐसे में सियासी पार्टियां विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल जैसी तंजीमों के साथ लेकर हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है और एक पैगाम देने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में नज्म नस्क का मसला भी पैदा होने का इम्कान है। लेकिन पुलिस इन तमाम मामलात पर नजर रख रही है और हालात पूरी तरह से काबू में है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।